हेलो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मैथ रीजनिंग पर्पस से आपके अल्फ़ाबेट की नंबरिंग सिखाने जा रहा हूँ। अल्फ़ाबेट की ए टू आपको जेड नंबरिंग याद हो जाएगी विद इन अराउंड 5 मिनट्स। आपको बस मेरी तरफ से ए टू डी आपको पता ही होंगे, इट्स ए वन बी टू सी थ्री डी फोर, ये आपको जनरली याद रहेंगे। ई मेरी तरफ से और याद कर लीजिए 5। देन नेक्स्ट है आपका एफ, एफ को आप इस तरीके से जोड़ देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको क्या पढ़ने में आएगा, इट्स 6। देन आपका पी, पी को रिवर्स करेंगे तो इट्स ऑल्सो 6, बट पी 6 नहीं हो सकता, इट्स 16। देन आपका आ गया जी, जी आप कंसंट्रेट कीजिए इस पे, ये क्या आपको नजर आ रहा है, इट्स लाइक 7, तो ये आपका हो गया 7। देन आपका क्यू, अब आप इस पे फिर से कंसंट्रेट कीजिए, इट्स लाइक 7, तो ये आपका हो गया 17। देन नेक्स्ट आपका हो गया एच, एच को आप यहां से जोड़ देंगे, इट लुक्स लाइक 8। देन आपका आर, आर को आप इस तरीके से जोड़ देंगे तो इट लुक्स लाइक 8, सो इट्स 18। आई, इसको इस तरीके से कर देंगे तो इट्स लुक लाइक 9। देन आपको 19, एस आप इसको इस तरीके से जोड़ देंगे तो इट्स लुक लाइक 9, इट्स 19। टी आपको पता ही है, टी ट्वेंटी आप इतना सुनते रहते हैं, टी हो गया आपका 20। देन नेक्स्ट है आपका जे, जे को याद करने के लिए आप जोकर याद कर सकते हैं, जोकर, जोकर का नंबर है 10, 10 नंबरी जोकर। देन आपका आ गया 11, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करेंगे, ये 1 एंड ये 1, 1 एंड 1 11, एक और एक 11। अब आपका, आप इसको जोड़ के देखें तो आपको V सा भी लगेगा एक, तो ये हमारा V, तो V 11 का डबल इज 22। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 12 यहाँ हमारा बच गया और यहाँ हमारा 21 बच गया। 12 आपका लीग, क्रिकेट लीग में, एक क्रिकेट लीग में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, बट एक आप भूल रहे हैं, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी होता है, इट्स टोटल 12 खिलाड़ी, तो एल फॉर लीग 12। 21 के लिए थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, यू आप SMS भाषा में लिखते हैं ना, YOU को लिखने की जगह आप केवल यू लिखते हैं, तो यू के लिए स्टोरी है, आपकी मैरिज की एज क्या होती है, इट्स 21। तो एक लड़की आई तो उसने आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है, तो आप कम एज बता नहीं सकते, क्योंकि अगर कम एज बताएंगे तो आप शादी नहीं कर सकते उससे, और ज़्यादा एज बताएंगे तो ज़्यादा एज तो बताने का होता ही नहीं है कहीं भी, तो आप एक जो मिनिमम लिमिट है मैरिज की वो 21 बताएंगे। तो हे यू, व्हाट्स योर एज, तो यू 21, यू की एज क्या है, 21। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा 21 22 तक हो चुका है यहाँ पे। अब हम एम आप थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे, इट लुक लाइक 3, और या ये कह लीजिए 3 डंडे, तो इट्स 3 नहीं होगा, इट्स 13। ठीक है, देन आपका हो गया नेक्स्ट एम के बाद एन एंड ओ, तो ये आपको और थोड़े से याद करने पड़ेंगे, एन और ओ, एन इज 14 एंड ओ इज 15। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एन आपका एन और नो, नो, नो का नंबर क्या है, नो का नंबर है 14 एंड 15। अब आपका 15 तक यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे बचा है आपका 22 हो गया, 23,
हाँ, एम का अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाता है, डब्लू, तो डब्लू, तो ये 23। अब बचा एक्स वाई एंड जेड। जेड आपको याद ही रहेगा लास्ट अल्फाबेट होता है, इट्स 26। एक्स के लिए आपको पता है एक्स फॉर क्या पढ़ते थे, क्रिसमस। क्रिसमस कौन सी डेट को होता है, 25 को। बट मेरा कैलेंडर है उसमें 24 को ही क्रिसमस हो जाता है। ठीक है, इट्स लिटिल ट्रिक कि आपका एक्स का क्या है नंबर 24। इट्स वन डे प्रीवियस टू योर ओरिजिनल डेट, दैट इज योर 25। वाई वाई वाई, इसको हम वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे घर में तीन भाई हैं, और मेरे पेरेंट्स ने, अगर तीन भाई हैं और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है कोई, तो उसमें एस पर आपके मेरे को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, 33%। बट मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, यू विल गॉट ओनली 25% ऑफ इट्स शेयर। तो मैंने पूछा वाई, क्यों, तो ये वाई का 25, वाई 25। ठीक है, इस तरीके से आपके पूरे A to Z आपके अल्फाबेट्स हो गए। थैंक यू वेरी मच।